एक तरफ तो पीयूष पुरोहित को हमारी देवभूमि उत्तराखंड के कल्चर और हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वहीं दूसरी ओर हमारे रियल लाइफ रांचो सोनम वांगचुक को लद्दाख की कल्चर और हेरिटेज बचाने के लिए 21 दिन का फास्ट अनटू डेथ करना पड़ा। जहां नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स की खूब पब्लिसिटी की गई, वहीं सोनम वांगचुक को जीरो मीडिया कवरेज मिला। क्या वो इसलिए कि भारत इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ना चाहता है और उसके लिए जरूरी लिथियम भारी मात्रा में अदानी जैसे ग्रुप लद्दाख से सोर्स कर रहे हैं? क्या एक तरफ कल्चर और हेरिटेज को बचाने का संदेश देकर दूसरी तरफ एनवायरनमेंट की धज्जियां उड़ाना सही है? क्या आपको लगता है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिलनी चाहिए ताकि वो खुद अपने सही गलत का फैसला कर सके? सच्चाई के साथ खड़ा न होना झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है, और आप खामोश हैं तो भी आप पक्ष ले रहे हैं झूठ का।